नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ सपना मतेशिया। एएनएम खुशबू यादव की मौत के बाद पूरे उत्तर प्रदेश के एनएचएम तैनात कर्मचारी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर। एएनएम खुशबू यादव आगरा की रहने वाली थी, जिला महाराजगंज में तैनात थी। खुशबू यादव अधिकारियों की चौखट पर बार बार दस्तक दे रही थी और गुहार लगा रही थी कि साहब मुझे गृह जनपद में ट्रांसफर कर दीजिए, लेकिन अधिकारियों की आंखों में पट्टी बंधी थी, कानों में जू तक नहीं रहेगा। और आखिर में खुशबू मौत को गले लगाकर दुनिया को अलविदा कह दी। उसके बाद पूरे उत्तर प्रदेश में एनएचएम कर्मचारियों के पैरों तले जमीन खिसक गई। फिर शुरू हुआ बलरामपुर में 9 सीएससी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल। जगह जगह धरना देना शुरू कर दी और एनएचएम कर्मचारियों की 7 सूत्रीय मांग है, गृह जनपद में ट्रांसफर किया जाए, समान कार्य समान वेतन लागू किया जाए, 7वां वेतन का लाभ दिया जाए, आशा बहुओं को मानदेय दिया जाए। अगर ऐसे एनएचएम अनिश्चितकालीन करते रहेंगे तो इसकी खामियाजा सबसे ज्यादा ग्रामीण आम जनमानस को प्रभावित करेगा। अब देखना यह है कि एनएचएम कर्मचारियों की मांग को लेकर सरकार अधिकारी क्या करते हैं, कि मांग पूरा करते हैं या यूं ही इन्हें धरना प्रदर्शन के लिए छोड़ देते हैं और थक हार कर फिर अपने ड्यूटी पर लौट आती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। एनएचएम संघ के द्वारा जो एक हड़ताल किया जा रहा है, कारण क्या है, किन कारणों को लेकर, कौन सी मांगों को लेकर आप लोग का आपकी संघ पूरी तरीके से यह हड़ताल पर बैठे? हम सभी एनएचएम संविदा कर्मचारी यहाँ इकट्ठा हुए हैं। इसलिए ये हमारी एएनएम बहन जी खुशबू यादव जी, जो महाराजगंज जिले में पोस्टेड थी, इनका होम डिस्ट्रिक्ट आगरा था और यह ट्रांसफर कराने के लिए लगातार प्रयास में जुटी हुई थी कि अपने होम डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर कराए, लेकिन यह मानसिक रूप से बहुत ज्यादा तनाव में थी और इनका ट्रांसफर नहीं हो पा रहा था, जिस कारण कल इन्होंने आत्महत्या कर ली। और इनको श्रद्धांजलि देने के लिए हम सभी यहाँ इकट्ठा हुए हैं। ऐसी हमारी तमाम एएनएम बहनें और एनएचएम कर्मचारी हैं जो कि मानसिक रूप से तनाव में काम कर रहे हैं और इनकी बहुत सारी मांगे हैं। 7 सूत्रीय मांगों पर हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं ताकि इनको श्रद्धांजलि दे करके हमारी मांगों को सरकार पूरा करे और सभी जिनके भी लोग अपने घर से दूर होकर और नौकरी कर रहे हैं, एनएचएम संविदा कर्मचारी जो भी हैं, किसी भी पद पर तैनात हैं, कहीं भी तैनात हैं, उन सभी को न्याय मिले और इनको खुशबू यादव जी को हम लोग श्रद्धांजलि दे इसी तरह और इनके परिवार को और सभी को न्याय मिले। इसके अलावा आप लोगों की कुछ मांगे हैं, कुछ सूत्रीय मांगे हैं, कितनी सूत्रीय मांगे हैं, कौन सी मांगे हैं, समस्याएं क्या हैं, किन समस्याओं को लेकर आप लोग हड़ताल कर रही हैं? 7 सूत्रीय मांगे हैं हमारी, जिसमें से वेतन पॉलिसी एवं वेतन विसंगति है और होम डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर है आपका, समान कार्य समान वेतन है और आशाओं का मानदेय यानी सैलरी बनाने के लिए भी हमारी मांगे हैं, विनियमितीकरण और 7वां वेतन लागू किया जाए, एनएचएम संविदा कर्मचारियों के लिए भी 7वां वेतन लागू किया जाए और समान कार्य समान सम्मान दिया जाए। एक एनएचएम संविदा कर्मचारी के साथ अगर कोई गलत करते हैं तो उन्हें निकाल दिया जाता है और उनको सम्मान भी नहीं दिया जाता है, उनका सम्मान भंग कर निकाल दिया जाता है और वापस आने में उन्हें कई वर्ष लग जाते हैं। इस तरीके से एनएचएम संविदा कर्मचारी भी उतना ही कार्य कर रहे हैं जितना कि परमानेंट कर रहे हैं, तो हमें समान कार्य समान सम्मान और समान वेतन और समायोजन, ये सारी चीजें हमारी मांगे हैं जिनको सरकार पूरा करे तभी हम अनिश्चितकालीन हड़ताल से हटेंगे और यह हमारी पूर्ण रूप से श्रद्धांजलि होगी अंजलि यादव जी के लिए। Audio Jungle.